राम राम का दूध इस्तेमाल करते हुए महीना हो गया। जब मैंने पहली बार राम राम का दूध लिया था तो मेरे मन में एक सवाल उठा था, और शायद आज आपके कस्टमर्स का भी वही सवाल है कि राम राम ये नाम कहाँ से आया, और राम राम नाम आपने किस विचार से सोच के रखा अपने ब्रांड का, अपने ये दूध बेचने वाली कंपनी का? जो अपने हरियाणा के लोग है ना, वो गांव को राम राम बोलते हैं। उनका मानना होता है कि भी गांव में राम जी बसते हैं, जो हम राम जी की पूजा करते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। वो लोग कहते हैं गांव में राम जी बसते हैं, और हमारे यहाँ पे सब गांव में राम राम सुबह मिलते हैं तो, और भाई साहब राम राम बारिश होती है तो राम बरसेगा, मतलब राम शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो इन्होंने गांव को भी राम की ही संज्ञा दी हुई है, तो जब गांव इकट्ठा होता है तो उसको बोलते हैं राम राम, इसलिए हमने इसका नाम राम राम ही रखा है। तो सर वैसे तो हम ब्रांड चला रहे हैं दूध से रिलेटेड, और नाम हमने सिर्फ गांव से रिलेटेड रख दिया राम राम, तो मेरे को समझ में अभी तक ये नहीं आया कि आपने दूध के ब्रांड का राम राम नाम क्यों समझा। मेरे को ये समझ में आ चुका है कि राम राम का मतलब क्या है, लेकिन दूध से रिलेटेड राम राम। देखिए दूध गाय देती है, हमारा जो ब्रांड है ना वो सिर्फ देसी गाय का दूध उपलब्ध कराता है, और जो गांव होता है, जब भी गांव की स्थापना होती है, नया गांव बसता है, तो वो जो गांव की बसावट होती है वो दादा खेड़े से होती है, और दादा खेड़े का स्वरूप गोवंश होता है, जो गाय का बच्चा होता है, जो बड़ा होके खागड़ जिसको बोलते हैं, खागड़ बनता है, वो ही उसका दादा खेड़े का स्वरूप होता है। मतलब हमारी संस्कृति के लोग, हमारे हरियाणा के लोग मानते हैं कि भाई जो गोवंश है उसी से ही गांव की नींव पड़ती है, बगैर गोवंश के गांव नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हमने अपना नाम राम राम रखा। तो सर ये जैसे आपने बताया कि राम राम कैसे इंटररिलेटेड है गोवंश से, दादा खेड़े से, तो ये गोवंश जो तैयार होता है या जो दादा खेड़े की स्थापना होती है, ये कैसे होती है? मतलब जो गोवंश को तैयार किया जाता है ना, उस गोवंश को गाय का पूरा दूध पिलाया जाता है, जो मतलब आम बछड़ा नहीं होता, वो उसको पहले दूध पिलाया जाता है, उसको बड़े लाड से बढ़ाया जाता है, खूब उसको खिला पिलाया जाता है, तब उसको तैयार करते हैं, और बड़ा होने के बाद उसको गांव में छोड़ देते हैं। तो पूरा गांव जो होता है वो उसको मतलब चाव से रखता है, जिसके घर जाता है उसको रोटी देता है, जहाँ जाता है वहाँ उसको खाना खिलाया जाता है, इस तरह से उसको बनाया जाता है, फिर उसको गांव में छोड़ दिया जाता है, खुला वो खुला रहता है। ओके, मतलब उसको एक घर गांव के, मतलब गांव को उसका घर बना दिया जाता है, वो गांव का हो जाता है। हाँ, वो पूरा होने के बाद। तो सर जैसे आपने मेरे को बता भी रहे थे पीछे कि नवती जहाँ पे दादा खेड़े ने पूरे गांव को बचाया था, वो कैसे बचाया था? देखिए गांव के लोग मानते हैं कि दादा खेड़ा गांव की रक्षा करता है, वही गांव को बढ़ाता है। तो जब भी कोई किसी की शादी होती है या कोई, तो सबसे पहले दादा खेड़े पे जाते हैं, जो भी शुभ काम शुरू होता है वो दादा खेड़े से ही होता है। तो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं वो कंडेला गांव की घटना है, वहां पे एक बार गांव का प्रशासन के साथ टकराव हो गया था, तो किसी चीज को लेकर आंदोलन चल रहा था, तो वहां पे जब पुलिस आई, 2002 की ये बात है, वो घोड़ा पुलिस मतलब घोड़े पे पुलिस आई थी, और गांव वालों ने बैरिगेटिंग कर रखी थी, तो उस ओर उनको जाना था, तो वो गली से निकल के जा रहे थे, तो वहां पे जो वहां का दादा खेड़ा था, जो खगड़ जिसको बोलते हैं, वो उस पुलिस के और गांव वालों के बीच में आ गया, और उसने सारी पुलिस को पीछे खदेड़ दिया, सारी पुलिस को वहां से भगा दिया। तो ये तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि मतलब इस प्रकार से दादा खेड़ा जब गांव पे विपत्ति आती है तो साक्षात मतलब खड़ा हो जाता है गांव को बचाने के लिए। तो इससे संबोधित होकर आपने राम राम जैसा नाम चुना। इस राम राम नाम से ही गोवंश की महत्व का हमें पता चलता है, मतलब प्रॉपर नाम तो बहुत है गाय से रिलेटेड, लेकिन जब गांव की स्थापना ही गोवंश से हो रही है, गाय का खेड़ा ही जो है वो गोवंश से तैयार होता है, वहाँ गोवंश की मूर्ति लगाई जाती है, तो ये इसलिए हमने राम राम रखा, इससे गाय की महत्व का हमें पता चलता है। बहुत धन्यवाद सर, आज तक मेरे को लगता नहीं है मार्केट में किसी ने इतना सब सोच कर या इतना अच्छे से ऐसा नाम रखा हो जो हर किसी को बता रहा हो कि क्या गोवंश की महत्वता है। नहीं तो बहुत सारे नाम है मिल्क से रिलेटेड, गौ से रिलेटेड। तो बहुत शुक्रिया आपका बताने के लिए, और आगे भी आपके साथ बने रहेंगे ऐसे जी।